हेलो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट ट्रांसलेटर ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो यह है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से है, RHS RHC। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के ऊपर, तो एक बार वो वीडियो आप आई बटन से ज़रूर देख लीजिएगा। और आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसलेटर की, ठीक है? तो उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। वो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी इसकी 10 फरवरी 2020 को स्टार्ट होगी, ठीक है? अभी टाइम है और लास्ट डेट है इसकी 5/3/2020 5 बजे तक, मतलब 5 मार्च तक आप भर सकते हो इसको। और इसकी एग्ज़ाम फ़ी पे करने की है 6 मार्च, ठीक है? तो और एग्ज़ाम डेट एंड एडमिट कार्ड अवेलेबल जल्द ही आपको बता दिया जाएगा इनकी डेट्स। फिर है एप्लीकेशन फ़ी। आपकी एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC और EWS की है 500, SC ST की है 350। एंड आप इसको किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, जो भी आपको सूटेबल लगे। देन हम बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल्स की। तो टोटल है 15 पोस्ट और ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट है तो जनरल में है 8, OBC में 3 पोस्ट है और EWS की 1 वैकेंसी और SC ST की 2 और 1 रेस्पेक्टिवली। तो टोटल होगी अपने पास 15 टोटल पोस्ट हो गई अपने पास। और एलिजिबिलिटी की बात करें हम तो मास्टर डिग्री विद इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट। और एज लिमिट होगी इसकी 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल, ठीक है? एज लिमिट है 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हो, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी आपकी राजस्थान हाई कोर्ट ट्रांसलेटर की पोस्ट भर्ती। तो आप इसको भरिएगा अपने रिलेटेड एलिजिबिलिटी के अनुसार। और मैं इसकी पूरी नोटिफिकेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।